सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें। बायूसी का हाल है तरीके से, भारत अपने तीन तीन महिला अफसरों को भेज रहा है सऊदी अरब, जहां पे इस्लाम पैदा हुआ वहां पे भारत भेज रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया उनको वेलकम कर रहा है कि आइए। और एक जगह पाकिस्तान है जहां पे औरतों को बोल रहे हैं कि घर के अंदर रहना, अगर तू चली गई वोट देने के लिए तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, चूल्हा कौन जलाएगा, घर के अंदर है, चुपचाप हिलना मत यहां से। कि इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में दो जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए, यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक दो ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों दर्जनों लोग जान बहक हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान में, और सिर्फ चंद घंटे पहले इलेक्शन शुरू होने से। यानी देखिए ना, कल है और आज दोपहर में जो है वो ये हो रहा है, इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं। दोस्ती उससे की जाती है जो लेवल के बंदे होते हैं। भाई तेरे से कौन दोस्ती करेगा, तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता कि दो रुपए तू किसी को दे नहीं सकता, तू जिधर भी जा कटोरा आगे कर ले, थोड़ी भीख डाल। बताया जा रहा है कि 25 अफराद जहां वहां हुए, लेकिन जितने बड़े वो धमाके उनकी फुटेजेस और उनकी वो चल रही हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि ये इससे ज्यादा जो है वो फिगर है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बलूचिस्तान में पहला धमाका जो है वो जिला पश्तीन में हुआ, जहां पर उसमें वहां पर भी एक पॉलिटिकल ऑफिस है और असफन यार वली के पॉलिटिकल ऑफिस में कहा जा रहा है कि वो हुआ धमाका, जिसमें 12 अफराद, पहले ही जो खबर आई उसमें 12 अफराद कहा गया कि ये अपनी जान से चले गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है, जिसके लिए भारत को इनवाइट किया गया और दुनिया के बड़े बड़े देशों को इनवाइट किया गया है। भारत ने अब महिला सेना अधिकारियों को वहां पर भेज भी दिया है, जिसकी अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस डिफेंस एक्सपो में इन्वाइट भी नहीं किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान को यह बात जब खबर पता चली तो वहां पर मातम छा गया कि उनको इन्वाइट भी नहीं किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में 8 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, दूसरी ओर वहां पर आए दिन बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान में केवल वहां की आर्मी नाम के लिए इलेक्शन करा रही है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी अपने सिर फोड़कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने उनको अब लात मारकर पूरी तरह बाहर फेंक दिया है। सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें, और भारत ने अपने डेलीगेशन विमेन डेलीगेशन के वहां पर भेज भी दिए गए हैं। इससे पहले ये खबर सामने आई कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है, और अब ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, जो सऊदीया के अंदर जाकर उनके डिफेंस शो के अंदर, डिफेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं, क्या करते हैं, गरीब बोलेगा, गरीब कर रहे हैं, गरीब गरीब के पास अमीर नहीं गुजरे पैसे ना धारे मांग ले। सऊदी अरब ने बुलाया, हो सकता है इसीलिए नहीं बुलाया कि आगे इधर भीख ना मांगे हमसे। डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है तीन महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, जो कि चलाती हैं एक सुखोई, ये एक फाइटर पायलट है। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल पोनोंग डोमिंग, जो कि एक कोर ऑफ इंजीनियर्स की ऑफिसर है। इंडियन नेवी की तरफ से लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश। दोस्तों, ये तीनों महिला अफसर हैं, जबरदस्त ऑफिसर्स हैं, ये जाएंगी और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी सऊदी अरब में। दोस्तों, आपको पता है किस तरीके से नारी शक्ति, ये सरकार कह रही है कि नारी शक्ति, हर जगह नारी शक्ति और नारियों को आगे, इसके भी दो तीन कारण है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसके बिना देश हमारा नहीं बढ़ सकता। इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी है, कई लोग इसको इमोशनल ले जाते हैं कि यार नहीं, यू नो कि बेटियों को आगे लाना चाहिए, घर की जो औरतें हैं उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के नौकरी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसका कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बने और एक दिन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, तो यह नहीं हो सकता कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन घर पर बैठी है।
काम सबको करना पड़ेगा, बराबर का लोड सब उठाएंगे, सबको बराबर की जिम्मेदारी, सबको बराबर की इज्जत। आपका हाल ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे, आपके इम्पोर्ट्स जो है वो कम नहीं हो रहे, गैप बढ़ता जा रहा है या बढ़ गया और पैसे नहीं है आपके पास, लोगों के कर्जे भी दें, लोगों के खर्चे भी पूरे करें और गरीबों का भी ख्याल करें और उसके साथ साथ रुपए को मजबूत भी करें। तो ये सूरत हाल है, बिल्कुल मायूसी का हाल है। तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है, भाई सऊदी हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई? अब तो तुम ऐसा हो गए हो जैसे लोटा नहीं होता, कमोड में लोटा होता है, कोई भी आके पानी भर के चप चप जो है धो के निकल जाता। तुम्हारी औकात लोटे से भी बदतर है मेरे भाई, लोटा हो गया है, घंटा हो गया है, कोई भी आके लंबा बिछा के निकल जाता है, तो आपकी औकात क्या है? अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरबिया को ब्रेन वॉश कर रहा है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकालो। भाई ये बात हमने 2 से 3 साल पहले भी कही थी, अब भी बोल रहे हैं, रिपीट करके बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में किसी देश में जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो अरबी कंट्री हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो। यार खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे सिटीज हैं, ऐसे इलाके हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो गया और बहुत सारे इलाके जहां पर वहीं पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जो अब हम गाजिस्तान के लोग हैं, जाए बलोचिस्तान के, वो बोलते हैं पासपोर्ट में नहीं मानते, पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, वो पाकिस्तान के दिन ही नहीं बनाते। इसी तरह कश्मीर के साइड जाए वो बोलते पाकिस्तान कौन सा देश है भाई, हम नहीं जानते पाकिस्तान को। तो ये जो 2-3 जो 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 वहां के जो लोग हैं, जैसे पंजाबी हो गए, लाहौरी हो गए और भी कुछ एक हाथ है, तो वो कहां जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। इनके ऊपर जमीन हो गई है तंग, घंटा बन गया है, कोई भी आके थप्पड़ मार के जा रहा है। पाकिस्तान को छोड़ के वो पतली गली से इंडिया की तरफ निकल गए, वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अब देखें जैसा कि राहील शरीफ, तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हेड करें। भाई किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हेड कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर, और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज, बहुत भाई बहुत, लेकिन वो बहुत जो है वो बहुत कम हो चुकी है। इसकी वजह ये, उसके बीच में कौन आ चुका है? रकीब है रूसिया यानी कि रकीब वो है, कौन है आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का रकीब? इंडिया। इंडिया ने गाय भाई पाइन ताड़िया सीधी दे दे, तो ये है। तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे। अच्छा इसमें जो है फिर इसमें ये किया गया है कि बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं, MIL साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 225 मिलियन USD फॉर सप्लाई ऑफ आर्टिलरी अम्यूनिशन टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया थ्रू इट्स पार्टनर नादरा कंपनी। और ये जो है वो उसमें फिर और भी सारी उन्होंने बातें बताई, और उसमें भी ये बताया गया है कि ये अभी कुछ अर्सा पहले जो टॉक्स जो हैं इस सिलसिले में हुई थी, और ख़ास तौर पर इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो बिगेस्ट इंडियन डिफेंस ऑर्डर जो है वो काफ़ी दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स होती रही, उसके अंदर ये सोचा गया और उसमें ये कोशिशें की जा रही थी इस तरीके से कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। तो उसके बाद जो है वो उन टॉक्स का नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये एक एक्सपोर्ट जो बड़ी है वो अब सऊदी अरेबिया के पास जा चुकी है। तो इसमें ये भी आ रहा है कि मिनिस्टर भट्ट जो है वो प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने एक्स जो है यानी ट्विटर को उसको उस पर लिखा टू शेयर हिज एक्साइटमेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मेंशनिंग दैट इट स्ट्रेंथन्स द डिफेंस प्रोडक्शन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। द विजिट ऑफ मिनिस्टर भट्ट एंड द साइनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट द ग्रोइंग डिफेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये जो भट्ट साहब है उनके मिनिस्टर वो काफी उन्होंने आना जाना उनका रहा और उन्होंने उनका खेड़ा नहीं छोड़ा जब तक ये वाली डिफेंस डील नहीं हो गई। ये होता है तरीके का दुनिया में रहने का, ये होता है तरीके का डील करने का, ये होता है तरीके का मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाए, उन्होंने करके दिखा दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।